अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अब मैं सुबह नाश्ते में सबसे पहले ले रही हूँ दूध नीम गरम, क्योंकि अभी दिन के 4 बज रहे हैं और मैंने नाश्ता नहीं किया इस वजह से। और मैंने आज नेल पेंट लगाई हुई है, तो इसके लिए प्लीज़ जज ना कीजिएगा। मुझे आज मेकअप वीडियो करनी थी, इसलिए मैंने नेल पेंट लगाई हुई है ये वाली, नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है। मुझे पता है मुहर्रम है, एहतराम है, तो अपने पास से कोई भी बात प्लीज़ ऐड ऑन मत कीजिएगा। तो ये मेरी कुछ कंडीशन फेस की ऐसी हुई है, अभी मैंने फ़ेस वॉश नहीं किया, विदाउट फेस वॉश और विदाउट बाल बनाए ही मैं कैमरे के सामने हाजिर हो गई। और यहाँ पे मैं अपनी स्किन चेक कर रही थी कि कितने पिंपल्स निकल आए हैं। कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहे, बट मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए हुए हैं। उसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि मैं दूध पीऊँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये दूध कैसे पीऊँ। और मैं एक सिप लिया, यकीन करो मेरा दिल इतना शदीद का ख़राब हुआ ये दूध पीकर। पता नहीं क्यों दूध का टेस्ट इतना अजीब था कि मज़ा ही नहीं आ रहा था। पहले जो दूध आता था ना इतना गाढ़ा होता था, और अब जो दूध आता है वो फल्ला इतना पानी वाला कि मज़ा ही नहीं आता पानी दूध पीने का। इसके बाद जी मैंने अनबॉक्स किया कि ये वाला कोरियर जो कि मैंने मंगवाया था वाओ सोनिक की तरफ से, ग्वाशा स्टोन। तो ये मैंने मंगवाया था 3 दिन पहले और आज मुझे डिलीवर हो गया। इनकी डिलीवरी माशाल्लाह मुझे अच्छी लगी, बहुत जल्दी, मुझे पिछला ऑर्डर भी बहुत जल्दी डिलीवर हो गया था और ये वाला भी। तो ये है वाओ सोनिक का ग्वाशा स्टोन, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये एक स्टोन है तो इसलिए भी। और दूसरा ये कि इससे स्किन टाइट होती है और डबल चिन वगैरह के इश्यूज वगैरह, और जो हमारी स्किन लटक जाती है उसको भी लिफ्ट करता है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर किया था। अच्छा, मैं जब भी कुछ भी बाय करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि उसकी पैकिंग, तो इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और प्लस यार मुझे इतना यूज़फुल लगता है ना, इतना यूज़फुल, मैंने सिर्फ देखा था, अब मैं ट्राई आउट करूँगी कि किस तरह का रिज़ल्ट देता है, तो मैं इसके रिव्यूज़ भी आपसे शेयर करूँगी कैसा है कैसा नहीं। तो आज घर पर आई हुई हैं बड़ी सिस्टर, तो उनके घर के पास से मिलती हैं मिर्ची, तो वो ये वाली मिर्ची साथ लेकर आई थी, तो मैंने नाश्ते में आज यही खाई है। तो बहुत इसमें बहुत स्पाइस था, मेरा तो कसम से मुंह जल गया था, साथ इसकी ही चटनी थी। और ये देखिए मेरा मुंह इतना बुरा जला है कि मैं अपना हाल दिखा रही हूँ कि मेरी क्या हालत हुई है मुँह जलने के बाद। मैंने गुड़ खाया था कि मेरी मिर्ची की जलन थोड़ी कम हो, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अलावा मैं गई थी बाहर क्योंकि मुझे चिकन लेकर आना था, थोड़ा सा मुझे चिकन चाहिए था तो मैं लेकर। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने मेकअप वीडियो करनी है, तो मैं लेके आई हुई थी ये न्यू यार एक तो मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा इस टाइम ब्यूटी ब्लेंडर्स लेके आई थी, याद आ गया। ब्यूटी ब्लेंडर्स लेके आई थी ना, तो वो मैंने वॉश करने वाले थे, मैं यूज़ करने से पहले हर चीज़ वॉश करती हूँ, तो ये मैंने फिर उनको वॉश होने के लिए इसमें डाल दिया। इस ये सिर्फ पानी था, इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाला था, डेट्स इट। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। और उसके बाद इसको इसके अंदर डाल के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया था। और भिगोना भी इस तरह से है कि इनको जब आप भीग जाए ना, तो ये देखो इस तरह के हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको ना इस तरह हाथ से मसल के ना इनको, मतलब कि अच्छे से इनके अंदर से डस्ट वगैरह जो भी होगी जरासीम सब निकल जाएंगे, तो आपने भी ऐसे ही वॉश करने हैं। ओके, तो बात ये है कि मैं इस लोग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, वो वजह यह है कि जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं और हम लोगों के बिल्कुल नीचे एक फैमिली रहती है, तो उनकी दादू की डेथ हो गई है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग ज़्यादा ना करूँ, कम ही ब्लॉग करके जितना भी हुआ ना उसको ही डाल देती हूँ, तो इसलिए मैं आज इससे ज़्यादा ब्लॉग। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, अगर नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।